हेलो दोस्तों, चलिए आज आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सा वेजिटेबल्स रेसिपी लाया हूँ, जो रेसिपी का नाम है वेज लेमन कोरिंडर सूप। तो लेमन कोरिंडर सूप कैसे बनाया जाता है वो आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले लेमन कोरिंडर सूप के कटिंग काटना है, और कटिंग के लिए हमने क्या क्या ले रखा है। एक पीस मशरूम ले रखा है, एक पीस मशरूम, एक रेड येलो जुकनी, साथ साथ कोरिंडर, साथ साथ एक पीस बेबिकॉन ले रखा हूँ मैं, और ब्रोकली। तो ये सारे इंग्लिश वेजिटेबल्स लेके आज हम वेज लेमन कोरिंडर सूप बनाने वाला हूँ। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि वेज लेमन कोरिंडर सूप की कटिंग कैसे काटना है और सूप को कैसे बनाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले और एक बात बता देता हूँ, जो मेरा दोस्त नया दोस्त बनने वाला है उनको मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नया वीडियो जो भी हमारा बनते रहे वो आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर देते कटिंग काटना। पहले आप देख सकते हो कि मैंने सारे वेजिटेबल्स को वॉश कर लिया है, धो के रख लिया है। तो धो के रखने के बाद अब इसको हम काटने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बेबिकॉर्न की आगे और पीछे का हिस्सा फेंक देंगे। इसके बाद हम बेबिकॉर्न को इस तरह तीन पीस स्लाइस मार लेंगे, और इसके बाद बीच से कट मार लेंगे, और इसके बाद हम इसको मीडियम मोटा कटिंग कर लेंगे, जैसे कि मैं काट रहा हूँ। तो ये कटिंग आप लोग काट लीजिएगा। ये हो गए आपके बेबिकॉर्न। आप साथ साथ आया मशरूम, मशरूम के हिस्से को हम हटा देंगे। इसके बाद मशरूम के इस तरफ बीच से दो पीस मार लेंगे, एक दो, और इस तरह थोड़ा मोटा क्यूब काट कर लेंगे। ये हो गए हमारी मशरूम की काटिंग। आप बारी है येलो जुकने की। तो येलो जुकने के इस तरह हम दो स्लाइस निकाल लेंगे, इनको भी हम इस तरह मोटा क्यूब काट लेंगे। अब बारे आ गया ग्रीन जुकने काटने की। तो ग्रीन जुकने को भी हम पीछे का हिस्सा इस तरह फेंक देंगे। इसके बाद इसका भी दो तीन स्लाइस निकाल लेंगे, और उसके बाद इसको हम इस तरह क्यूब कटिंग काट लेंगे मीडियम साइज का। तो ये हमारा वेजिटेबल्स काट के हो गए। अब साथ साथ में ये रहा ब्रोकली। ब्रोकली को हम इसमें से दो पीस निकाल लिया, और निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से दो ही स्लाइस निकाला, तो ये काफ़ी होता है। तो अब ब्रोकली को हम इस तरह साइड से थोड़ा सा हटा देते हैं, और इसके बाद इसको छोटा छोटा पीस जो उसका बना हुआ रहता है साइज कटिंग वैसा ही, उसको छोटा छोटा कर लेंगे इस तरह, जैसे कि मैं काट रहा हूँ। ऐसे आप लोग काट लीजिएगा और इस रेसिपी का मज़ा लीजिएगा। तो दोस्तों, वेज लेमन कोरिंडर सूप बहुत बढ़िया रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को। अब साथ साथ हम आप लोगों को दिखाएंगे कि धनिया कैसे काटना है। तो धनिया कैसे काटना है, इसके लिए सबसे पहले धनिया को जो रैप मार के रखा है हमने, इसको निकाल देते हैं यहाँ से। वेजिटेबल्स को इस तरह एक प्लेट को उठा के रख लेते हैं। ये हो गए हमारे वेज लेमन कोरिंडर सूप के लिए वेजिटेबल्स रेडी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सूप के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोगों को दिखाता है कि इसका कोरिंडर कैसे काटना है। तो ये रहा हमारे पास कोरिंडर, एक फ्रेश गड्डी कोरिंडर। हम इसको इस तरह इसका रस्सी को निकाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे। इस तरह इसको क्लीन कर लेंगे, क्योंकि धनिया पे बहुत सारा मिट्टी होता है दोस्तों। कितना ढेर सारा कोथमीर ले रखा है, इतना सारा धनिया ले रखा है, इसको ये जार को भी हम इस्तेमाल करेंगे, पत्ते को भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसको इस तरह कटिंग कर लेंगे, और इसको थोड़ा फ्रेश पानी पे हम वॉश कर लेंगे। इसको धो लेते इस तरह पानी पे अच्छी तरह, क्योंकि धनिया पे मिट्टी बहुत सारा होता है और इसको धोना बहुत ज़रूरी है।
इस तरह आप लोग भी अच्छी तरह धनिया पत्ता को पहले धो लीजिएगा, तो जैसे कि हमारा धनिया पत्ता काट के रेडी है। अब इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरह हम एकदम सुपर फाइन बारीक काट लेंगे, जितना बारीक आप लोग कर सकते दोस्तों उतना बारीक। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कितना बारीक काट लिया मैंने धनिया को, इतना बारीक आप लोगों को काट लेना है। एक सूप के लिए इतना क्वांटिटी जरूरी है, क्योंकि धनिया का ही सूप है तो लेमन कोरिएंडर का सूप है, तो लेमन इसमें भर ढेर सारा कोरिएंडर होना चाहिए। अब इसको हम इस तरह थोड़ा कीमा टाइप का कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, धनिया का जो पूरा फ्लेवर है ना वो सारा सूप में आ जाएगा। इस धनिया को हम इस तरह कीमा टाइप का कर लेते थोड़ा, इसके बाद हम सूप में डाल देंगे। लोग देख सकते हो धनिया जो है कितना फाइन, एकदम सुपर फाइन चॉप काट के रख लिया है, एकदम कीमा कीमा हो रखा है। अब इसको हम उठा लेते हैं, इसको पेस्ट नहीं बनाना है दोस्तों, पेस्ट बनाएंगे जिसका टेस्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि धनिया का जो जार लिया है उसको हमने अच्छी तरह कीमा कर लिया है। खाली पत्ता का नहीं बनाना दोस्तों, धनिया का जार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धनिया का जो जार होता है उसी पे धनिया का फ्लेवर ज़्यादा होता है। इसके लिए आप लोग कोशिश करेगा कि धनिया का जो डंडी है ये डंडी डंडी लेने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा जितनी डंडी ज़्यादा दे सकते आप लोग। दो लेमन स्लाइस पीस लिए रखा है। अब हम सूप के लिए एक को इस तरह बीच से मार लेंगे। ये जो एक स्लाइस है ये एक पर्सन जूस के लिए काफ़ी है, ठीक है। साथ साथ हम इसको स्लाइस निकाल लेंगे डेकोरेट के लिए, तो इस तरह साइड से निकाल लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह स्लाइस निकाल लेंगे, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों। इसी तरह आप लोग भी लेमन का अच्छी तरह स्लाइस निकाल लीजिएगा। तो स्लाइस हमने निकाल के रख लिया है, तो इतना काफ़ी है। इस तरह स्लाइस आप लोग भी निकाल के रख लीजिए। तो चलिए दोस्तों आप शुरू कर देते हैं सूप कैसे बनाना है। वो चालू कर दिया, अब इसमें डाल दिया सनफ्लावर ऑयल। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि लेमन कोरिएंडर सूप कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून गार्लिक चॉप किया हुआ फाइन, साथ ही साथ डालेंगे हाफ टेबल स्पून जिंजर चॉप किया हुआ, दो तीन हरी मिर्चे बारीक बारीक काटा हुआ। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह सौते कर लेंगे। जैसे कि मैंने सौते कर लिया दोस्तों, इसको अच्छी तरह से इसको पका भी लिया, थोड़ा थोड़ा जैसे ब्राउन होने लगे हल्का सा, तो इसको डाल देना वेजिटेबल्स। जैसे दोस्तों देख सकते हो मैंने सूप के लिए जो वेजिटेबल्स काटना है इंग्लिश वेजिटेबल्स, इसको मैंने डाल दिया। जुकनी ब्रोकली रेड येलो जुकनी ब्रोकली सारे तीनों आइटम को मैंने डाल दिया इसमें। आप दोस्तों देख सकते हो मैंने चिकन में सारा चिकन भी इसमें डाल दिया मीडियम बारीक काटा हुआ। आप दोस्तों देख सकते हो जो धनिया मैंने बारीक बारीक काट के रखा है सारा धनिया को मैं डाल दूंगा इसमें, ढेर सारा धनिया। इसको थोड़ा पकने के बाद दोस्तों इसमें थोड़ा सा धनिया और डालेंगे, इसमें सर धनिया कम हुआ है। तो देख सकते हो भाई एकदम कीमा की आवाज़ है ना, थोड़ा सा और डाल देंगे। तो दोस्तों आप इसमें डाल देंगे पानी स्टॉक वाटर, जितना हमको चाहिए उतना हम डाल देंगे। दोस्तों देख सकते हो
अब हमको क्या करना है दोस्तों, मैंने देख सकते हैं मैंने एक नींबू का 1/2 कर लिया, तो एक नींबू एक पूरा स्लाइस हम इसमें डाल देते हैं। फिर हमने एक लेमन जूसर लिया, लेमन जूसर के साथ से हम पूरा लेमन का जूस इसमें डाल देंगे। अब एक ग्रेटर लिया और एक प्लेन नींबू लिया, तो नींबू का थोड़ा सा सिल्का हम इसमें डाल देंगे, जैसे कि हम ग्रेट कर रहा हूँ इस तरह, एक दो दाना इसमें डाल देना है। तो दोस्तों क्या होता है, एक दो दाना नींबू का छिलका डालने से बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है पूरे। तो दोस्तों ये जो बाटी पे हमारा पेस्ट है बना हुआ, ये पालक और धनिया का जार का बना हुआ, धनिया का जो जार होता है उस चीज़ का पेस्ट बनाया जाता है, तो पेस्ट इसमें इस्तेमाल होगा। 30% पालक का पेस्ट रहेगा और 70% धनिया का जार का पेस्ट रह जाता है। तो धनिया का जार का जो पेस्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा, क्योंकि धनिया का जार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और जिसके चलते ज़्यादा नहीं डाल सकते। थोड़ा सा आप 1 टेबल स्पून और डाल देते हैं, तो दोस्तों देख सकते कितना बढ़िया सा कलर आया हुआ है, एकदम लाजवाब कलर आया हुआ है। आप इसमें मसाला डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालना है दोस्तों, थोड़ा सा एरोमेटिक पाउडर डालना है दोस्तों, थोड़ी सी व्हाइट पेपर टच करना दोस्तों, बस बाकी कुछ भी नहीं डालना है दोस्तों इसमें। इसके बाद जो दोस्तों साइड से जो झाग आए, इस झाग को फेंक देना है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो झाग है, ये झाग को हटा देना है, ये गंदगी होती है, क्योंकि चिकन है, कांचा चिकन है, तो कांचा चिकन पकने के बाद उसका जो कचरा आता है वो झाग छोड़ता है, तो झाग को फेंक देना है इस तरह। नहीं दोस्तों एकदम नेचुरल कलर है, इसमें ज़रा सा कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, तो आप लोग देख सकते हो ये धनिया और इंग्लिश वेजिटेबल्स साथ साथ चिकन। तो इसी तरह लेमन कोरिएंडर सूप आप लोग बना लीजिएगा, और साथ साथ हमने जो पालक और धनिया का जो जार होता है, जार को मिक्सी में घुमा के जिसका पेस्ट फ्रीज में हम लोग बना के रखते हैं लेमन कोरिएंडर सूप के लिए, उसी तरह आप लोग थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा छोटा मिक्सी में। जो भी मेरे दोस्त लोग घर पर बनाना चाहते हैं उनको मैं यही कहूँगा कि छोटा सा मिक्सी में धनिया का जार और पालक का पेस्ट बना लेने का, 30% पालक और 70% धनिया का जार, मतलब जो डंडी डंडी होती है वो डंडी को पेस्ट बनाना होता है दोस्तों, वो डंडी का पेस्ट का ही लेमन कोरिएंडर सूप में बहुत बढ़िया सा उसका मज़ेदार टेस्ट जो है, मज़ेदार खुशबू जो है वो मिलेगा आप लोगों को। Thank you.